सो हे गाइस, वेलकम टू कोड ऑप्स। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, वो है मैक्सिमम सब एरे सम। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है गाइस एंड काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। काफ़ी सारी कंपनीज जो है इस क्वेश्चन को पूछ चुकी है अपने इंटरव्यूज में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। एंड एक और बात, इसका बहुत सारे नेम्स है इस क्वेश्चन के। तो इसको हम लोग लार्जेस्ट कंटिगुअस सब एरे नाम से भी जानते हैं, इसको हम लोग मैक्स सम कंटिगुअस सब एरे नाम से भी जानते हैं। इसी क्वेश्चन को हम लोग कडानिस एल्गोरिथम भी कहते हैं, कडानिस एल्गोरिथम भी यही होता है। तो काफ़ी सारे नाम से, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले आपको नाम ही बता दूँ, क्योंकि कन्फ्यूज़ हो जाते हैं बहुत लोग इस क्वेश्चन को लेकर के। तो ये सारे क्वेश्चन जो है सेम है, सेम ही क्वेश्चन है, बस नाम डिफरेंट है अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, लेकिन क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो हमारे पास एक इंटीजर एरे गिवन है गाइस नम्स का, एंड हमें क्या करना है, कंटिगुअस सब एरे बताना है कंटेनिंग एटलीस्ट वन नंबर विच हैज़ द लार्जेस्ट सम एंड रिटर्न इट्स सम। तो एक एरे हम लोगों को गिवन है, इसमें हम लोगों को क्या करना है, एक सब एरे फाइंड करना है, एक कंटिगुअस सब एरे फाइंड करना है जिसका कि जो सम है वो क्या हो, वो मैक्सिमम हो। तो इस एग्जाम्पल में अगर देखें गाइस, तो यहाँ से यहाँ तक का आप लोग सम देखो, फोर से लेकर के वन तक का। तो फोर से लेकर के वन तक का जो सम है वो क्या है, वो सिक्स है। इसलिए हम लोग यहाँ से क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर दे रहे हैं सिक्स को। एंड इसके अलावा कोई भी ऐसा सब एरे नहीं है जो कि सिक्स से बड़ा सम दे सके, तो इसलिए यहाँ से क्या रिटर्न हो रहा है, सिक्स रिटर्न हो रहा है। तो आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर होगा गाइस। तो चलिए देखते हैं कि इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। तो हमारे पास क्या गिवन है, एक एरे गिवन है, एंड हमें क्या करना है, एक लार्जेस्ट कंटिगुअस सब एरे बताना है जिसका कि जो सम हो वो मैक्सिमम हो। तो अगर इसका आउटपुट मैं यहाँ पे लिख लूँ, तो आउटपुट क्या था इसका, सिक्स आ रहा था। एंड वो सीक्वेंस कौन सी थी, फोर माइनस वन टू एंड वन, ये थी। ठीक है, तो सबसे पहली बात यार कि सब एरे क्या होता है ये मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को, हो सकता है बहुत लोगों को ना पता हो, तो सब एरे बता देता हूँ कि सब एरे क्या होता है। तो सब एरे इज़ अ पार्ट ऑफ एरे, सब एरे इज़ बेसिकली अ पार्ट ऑफ एरे विच इज़ कंटिन्यूस इन नेचर, जो कि क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। तो अगर इसका मैं सब एरेज लिखूँ, तो माइनस थ्री फोर माइनस वन ये एक सब एरे है, लेकिन इसी का अगर आप लोग ये ले लो कि माइनस थ्री माइनस वन एंड माइनस फाइव ले लो, तो ये सब एरे नहीं कहलाएगा इसकी, कि आपने एक एलिमेंट यहाँ से उठा लिया, एक एलिमेंट यहाँ से उठा लिया, एक एलिमेंट यहाँ से उठा लिया। तो ये देख रहे हो ये कंटिन्यूस नहीं है, ये जो सेकंड वाला जो मैंने लिखा है ये कंटिन्यूस नहीं है, इसलिए ये सब एरे नहीं कहलाएगा। तो इसलिए सब एरे क्या होता है गाइस, सब एरे इज़ अ पार्ट ऑफ एरे विच इज़ कंटिन्यूस इन नेचर। ठीक है, तो आई होप आपको सब एरे क्लियर हो गया होगा। तो अब चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास था कि हमें एक सब एरे फाइंड करना है जिसका कि जो सम हो वो मैक्सिमम हो। ठीक है, तो इसका ब्रूट फोर्स वे क्या हो सकता है गाइज, आप लोग भी सोच सकते हो कि हम लोग क्या करें, हम लोग सारे सब एरेज का सम निकाल लें। एंड सब एरेज कितनी होती है, एक एरे में एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, तो इतने नंबर ऑफ सब एरेज होते हैं गाइज एक एरे के ऑफ साइज एन। तो हम लोग क्या करें, सारे सब एरेज निकाल लें, सारे सब एरेज का सम निकाल लें, एंड उसको देख लें कि किस सब एरे का जो सम है वो मैक्सिमम आ रहा है, एंड उसको हम लोग रिटर्न कर दें। तो इसको हम लोग करेंगे कैसे गाइस, इसको हम लोग सिंपली दो लूप लगा के कर सकते हैं, कि फॉर आई एन टी आई इक्वल्स टू जीरो से लेकर के एन तक एक लूप चलाएं, एंड दूसरा लूप चलाएं हम लोग फॉर आई एन टी जे इक्वल्स टू आई प्लस वन से, एंड ये एन तक जाए, एंड हम लोग क्या करें, सम करते हैं। तो कैसे होगा, तो फर्स्ट हम लोग जब माइनस टू पे होंगे तो माइनस टू को चेक करें, फिर माइनस टू वन को देखें, फिर माइनस टू वन माइनस थ्री का सम ले, फिर माइनस टू वन माइनस थ्री फोर का सम ले, इसी तरह करके सारे सब एरेज हम लोग निकालें, एंड सारे सब एरेज का जो है सम को देख लें, एंड एक मैक्सिमम वेरिएबल ले लें यहाँ पर, एंड जो भी हमारा मैक्सिमम सब एरे का जो सम हो उसको हम लोग रिटर्न करते हैं। तो ये तो गाइस था इसका ब्रूट फोर्स वे, एंड आप लोग देख सकते हो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग ऑफ एन स्क्वायर है, सो वी वुड नॉट प्रेफर दैट। तो हम लोग इसको प्रेफर नहीं करेंगे, क्योंकि ये सबमिट भी नहीं होगा, क्योंकि इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग ऑफ एन स्क्वायर है। तो हम लोगों को कुछ दूसरा सोचना होगा। तो अब हम लोग इसका सेकंड मेथड देखेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो उस मेथड को क्या कहते हैं गाइस, हम लोग कडानेज एल्गोरिथम कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग इस मेथड को कहते हैं कडानेज एल्गोरिथम। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं गाइस, मैं इसका आउटपुट को थोड़ा क्लियर कर लेता हूँ, सिक्स है हमारा आउटपुट। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दो वेरिएबल लेते हैं, एक हम लोग लेते हैं करंट सम, एंड दूसरा लेते हैं हम लोग ओवरऑल मैक्स वेरिएबल, जिसको कि हम लोग लास्ट में रिटर्न करेंगे। तो ये वेरिएबल हमारा क्या होगा, एक्चुअल कंटेन करेगा कि हमारी जो मैक्सिमम सम है वो क्या है। ठीक है, तो करंट सम में हम लोग क्या करेंगे, इनिशियली ए आर आर ऑफ जीरो का साइन कर देंगे। तो ए आर आर ऑफ जीरो क्या है, माइनस टू है। इस तरह हम लोग मैक्सिमम वाले वेरिएबल में भी इनिशियली माइनस टू को असाइन कर देंगे। तो हम लोग ट्रैवर्स कहाँ से करना स्टार्ट करेंगे, हम लोग फर्स्ट इंडेक्स से ट्रैवल करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अब समझिएगा गाइस कि एल्गोरिथम कैसे वर्क करता है। तो हम लोग कहाँ पे हैं, हम लोग वन पे हैं। तो वन पे हमारे पास दो चॉइसेस है गाइस, हमारे पास दो ऑप्शंस है। हम क्या करें, या तो हम लोग इस सम में जो हमारा प्रीवियस सम था उसमें वन को ऐड कर दें, ये हमारी पहली पॉसिबिलिटी है कि जो हमारा प्रीवियस सम चलते आ रहा है उसमें हम लोग वन को ऐड कर दें। या फिर हमारी दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि हम क्या करें, हम लोग वन से एक नया सीक्वेंस स्टार्ट करें। तो ये दो पॉसिबिलिटीज़ हैं हमारे पास किसी भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट में
कि हम लोग या तो अगर पिछला सम जो आ रहा है उसमें इस नंबर को ऐड कर दे, या फिर यहाँ से हम लोग न्यू सीक्वेंस स्टार्ट कर ले। अच्छा, ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं गाइस? क्योंकि हम लोग देख सकते हैं कि हमारा जो प्रीवियस में करेंट सम में जो एलिमेंट था वो क्या था, वो -2 था। एंड अगर हम लोग 1 उसमें ऐड करते हैं तो ओवरऑल सम हमारा क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ से हम लोग न्यू सीक्वेंस स्टार्ट करते हैं गाइस, तो हमारे पास कम से कम +1 वैल्यू होगी, हमारे पास कम से कम +1 वैल्यू होगी। एंड अगर हम लोग पिछला वाला एलिमेंट को लेते हैं तो हमारे पास क्या होगा, -1 होगा। तो -1 कभी भी हमारे सम में होगा इस, तो वो हमेशा ही हमारे सम को डिक्रीज करेगा। अगर ऐसा सब एरे ले रहे हैं जिसमें कि माइनस वाला एलिमेंट है, तो वो क्या करेगा, हमेशा हमारे सम को डिक्रीज करेगा। एंड हमें क्या फाइंड करना है गाइस, हमें ऐसा सब एरे फाइंड करना है जिसका कि जो सम हो वो मैक्सिमम हो। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे इसको नहीं लेंगे, हम लोग यहाँ से अपना न्यू सीक्वेंस स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग करेंट सम में क्या कर देंगे, करेंट सम में हम लोग असाइन कर देंगे 1 को। तो आई होप ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा गाइस। एंड हो सकता है ये पॉइंट अभी क्लियर ना हुआ हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब हम लोग यहाँ तक पहुँच जाएंगे ना, -5 तक, तब ये आप बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो बस मेरे साथ बने रहिएगा। तो हमारे करंट सम में क्या आ गया, 1 आ गया। एंड हमारे मैक्सिमम में -2 है, तो हम लोग चेक कर लेंगे कि क्या हमारा जो करंट सम है वो मैक्सिमम से बड़ा है। तो इस केस में वो मैक्सिमम से बड़ा है, तो हम लोग मैक्सिमम को अपडेट कर देंगे। एंड यहाँ पे हम लोग उस सीक्वेंस को भी लिख लेते हैं गाइस। मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों को वो सीक्वेंस भी दिखाता रहूँ। तो यहाँ पर अभी तक का जो हमारा करंट सीक्वेंस है वो 1 है, ठीक है। अब हम लोग कहाँ पे आ गए, हम लोग -3 पे आ गए। तो -3 के पास भी अभी भी क्या है, हमारे पास दो चॉइसेस है कि या तो हम अपने प्रीवियस जो हमारा सम चला आ रहा है उसमें इस नंबर को ऐड कर दें, मतलब कि 1 में हम लोग क्या कर दें, -3 को ऐड कर दें, तो वो क्या बन जाएगा, -2 बन जाएगा। या फिर हम लोग क्या करें, -3 से एक नया सीक्वेंस स्टार्ट कर लें। तो -3 एंड -2 में से बड़ा कौन है गाइस, ऑब्वियसली -2 बड़ा है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको ऐड कर देंगे, हम लोग -3 को ऐड कर देंगे 1 में से। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे -2 हो जाएगा, ठीक है। हो सकता है यहाँ भी आप लोगों को समझ में ना आया होगा गाइस, लेकिन बस बने रहना आप लोग साथ में। अब हम लोग कहाँ पे, हम लोग 4 में है। तो 4 के पास भी हमारे पास दो ऑप्शन है कि या तो वो अपने पीछे वालों के साथ आ जाए, या फिर वो क्या करे, अपना नया सीक्वेंस बना ले। तो वो अगर अपने पीछे वालों के साथ आएगा तो उसके पास क्या बच जाएगा, उसके पास +2 बच जाएगा, क्योंकि करेंट सम में हमारे पास -2 है। एंड -2 + 4 इज इक्वल टू +2, तो हमारे पास +2 बन जाएगा। लेकिन अगर वो अपना नया सीक्वेंस स्टार्ट करता है यहाँ से, तो उसके पास क्या होगा, उसके पास +4 होगा, +4 होगा। तो इन दोनों में से बड़ा कौन है, तो इन दोनों में से बड़ा जो है वो 4 है। तो हम लोग यहाँ पे क्या रखेंगे, हम लोग यहाँ पे 4 को रखेंगे। एंड ये क्या करेगा, यहाँ से नया सीक्वेंस स्टार्ट करेगा, तो करेंट सम में 4 आ जाएगा। एंड करेंट सम जो है वो अपने मैक्सिमम सम को बीट भी कर रहा है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी 4 आ जाएगा। एंड हमारा जो सीक्वेंस है अभी तक 4 है, ठीक है। अब हम लोग कहाँ पे आ गए गाइस, अब हम लोग -1 पे आ चुके हैं। तो अभी -1 के पास भी दो ऑप्शन है गाइस, या तो वो अपने पीछे वालों के साथ आ जाए, या तो अपना नया सीक्वेंस स्टार्ट कर ले। अगर नया सीक्वेंस स्टार्ट करता है तो उसके पास -1 बचता है, अगर वो अपने पीछे वालों के साथ आता है तो उसके पास +3 बचता है। तो वो क्या सोचेगा, यार मैं तो डूब ही रहा हूँ, मतलब मेरे पास तो माइनस में ही है, अच्छा है कि मैं पीछे वालों के साथ ही आ जाता हूँ। तो 4 - 1 यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो ये सिंपल सा फ्लो है गाइस इस एल्गोरिथम का, इसको मैं पूरा ट्रैवर्स करके दिखा देता हूँ एक बार। तो अभी करंट सम में क्या आ गया, 3 आ गया। क्या ये मैक्सिमम को बीट कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो मैक्सिमम चेंज नहीं होगा, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ेंगे, हम लोग कहाँ पे आ गए, हम लोग 2 पे आ गए। 2 के पास भी दो ऑप्शन है, या तो अपने पीछे वालों के साथ आ जाए, या फिर अपना न्यू सीक्वेंस स्टार्ट कर ले। न्यू सीक्वेंस स्टार्ट करता है तो 2 बचते हैं उसके पास, अगर पीछे वालों के साथ आता है तो 3 + 2 = 5 होते हैं उसके पास। तो ये क्या सोचेगा कि पीछे वालों के साथ आने में फ़ायदा है, तो क्या करता हूँ, पीछे वाले के साथ आ जाता हूँ, तो 5 हो जाएगा। क्या ये मैक्सिमम सम को बीट कर रहा है, हाँ मैक्सिमम सम को बीट कर रहा है, इसको हम लोग चेंज कर देंगे। एंड यहाँ पे 5 आ जाएगा। एंड सीक्वेंस अगर मैं लिखूँ तो वो है 4 - 1 एंड 2। तो यहाँ तक का सीक्वेंस है जिसका कि सम जो है वो 5 है, ठीक है। अब हम लोग कहाँ पे आ जाते हैं, अब हम लोग आ जाते हैं 1 पे। अब हम लोग आ गए 1 पे। एंड 1 के पास भी ऐसी दो ऑप्शन है गाइस। तो ये क्या करेगा, ये पीछे वाले के साथ आना प्रेफर करेगा, तो 5 + 1 अब क्या हो जाएगा, अब 6 हो जाएगा। तो ये फिर से चेंज करेगा मैक्स को, एंड मैक्स में अब क्या आ जाएगा, हमारे पास मैक्स में आ जाएगा 6। एंड अगर मैं सीक्वेंस लिखूँ तो सीक्वेंस क्या है, 4 - 1 2 एंड 1। तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास -5 है। तो अब समझ में आने का बहुत अच्छा चांस है गाइस, यहाँ मैं समझता हूँ आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अब इसके पास देखो, इसके पास दो चॉइस है, या तो यहाँ से ये -5 का नया सीक्वेंस स्टार्ट करें, या तो ये 6 के साथ चले एंड +1 बन के आगे चले। ये दो चॉइसेस है यहाँ पे। तो ये क्या करेगा गाइस, ये सोचेगा यार मैं तो खुद माइनस में चल ही रहा हूँ, अगर मैं पीछे वाले के साथ आ जाता हूँ तो मैं +1 बन के आगे जाऊँगा। तो ये क्या करेगा, ये अपने पीछे वाले के साथ आ जाएगा। एंड यहाँ पे ओवरऑल जो हमारा करंट सम होगा वो क्या हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा। एंड हम लोग कहाँ पे आ जाएंगे, हम लोग आ जाएंगे 4 पे। अच्छा, एक और बात यहाँ पे गाइस कि हम लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं, जैसे हमारे पास 6 सम था,
तो अगर माइनस एलिमेंट आ रहा है तो हो सकता है आप लोग के दिमाग में ये है कि अगर माइनस एलिमेंट आ रहा है तो हम लोग इसको नहीं लेते हैं, क्योंकि माइनस तो हमेशा क्या करेगा, सम को रिड्यूस ही करेगा। तो यहाँ पे इसके पीछे का रीज़न क्या आएगा इसकी, हो सकता है इसको लेने के बाद हो सकता है कि आगे हमारे पास कोई पॉजिटिव नंबर हो, लेट्स से 7 या 8 हो, एंड उसको जब हम लोग ऐड करें तो हमारा सम जो हो वो इंक्रीज़ हो जाए, तो ये हो सकता है। तो ये मान के हम लोग चलते हैं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, अगर नेगेटिव एलिमेंट आता है तो हम लोग क्या करते हैं उसको भी कंसिडर करते हैं, जब तक कि वो लेस देन ना हो जाए, जब तक कि वो लेस देन 0 ना हो जाए, जब तक कि वो नेगेटिव में ना चला जाए तब तक हम लोग उसको कंसिडर करते हैं, एंड ये सोच के कि आगे हो सकता है कि हमें कोई पॉजिटिव ऐसा एलिमेंट मिल जाए जिससे कि हमारा जो सम हो वो इंक्रीज़ हो जाए। तो ये बेसिक सा फ्लो रहता है गाइस। तो हम लोग 4 पे आ चुके थे, एंड 4 पे भी हमारे पास दो चॉइसेस हैं, तो ये क्या करेंगे हम लोग 1+4 कर देंगे, तो करंट सम में हमारे पास 5 आ जाएगा, एंड हमारा मैक्सिमम को ये बीट नहीं कर पाएगा, तो हमारे मैक्सिमम वाले वेरिएबल में 6 होगा गाइस। एंड वो सीक्वेंस आप लोग देख सकते हो, 4 -1 2 एंड 1, तो यहाँ से यहाँ तक का जो सब एरे है, इस सब एरे का जो सम है वो मैक्सिमम है। तो आई होप कि ये कम्प्लीट डिस्कशन आप लोगों को क्लियर होगा गाइस। तो चलिए इसको मैं एक बार कोड करके दिखा देता हूँ, एंड कोड करके मैं समझता हूँ कि आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारा कोड एडिटर है गाइस। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि हम लोग करेंट सम लेंगे, एंड करेंट सम क्या होगा, नम्स ऑफ 0 होगा। इसी तरह हम लोग मैक्सिमम भी ले लेंगे, तो मैक्सिमम भी क्या होगा, नम्स ऑफ 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर हम मैंने क्या बोला था कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 1 से लूप चलाएंगे। तो आई इज़ इक्वल्स टू 1, आई इज़ लेस देन नम्स डॉट लेंथ एंड आई प्लस प्लस, ये हो गया। फिर हम लोग चेक करेंगे कि क्या हमारा जो करेंट सम है, हमारा करेंट सम ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 तभी हम लोग उसमें ऐड करेंगे, है ना। अगर करेंट सम हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है तभी हम लोग इसमें नम्स ऑफ आई को ऐड करेंगे, अदरवाइज़ अदरवाइज़ ये अगर लेस देन 0 है, अगर ये पहले से ही माइनस में चल रहा है तो इसको लेके कोई फ़ायदा है नहीं, ये आगे भी सम को रिड्यूस ही करेगा, ये कभी सम को इंक्रीज़ तो कर नहीं पाएगा क्योंकि ये अभी से ही नेगेटिव है। तो इस समय पर हम लोग क्या करेंगे, इस समय पर हम लोग नम्स ऑफ आई को सीधा असाइन कर देंगे सी सम में, एंड यहाँ से हम लोग न्यू सीक्वेंस स्टार्ट करेंगे। तो ये था गाइज इसका फ्लो, एंड यहाँ पे हम लोग चेक कर लेंगे कि हमारा अगर करंट सम जो है वो ग्रेटर देन हो चुका है मैक्सिमम वैल्यू से, तो हम लोग मैक्स को अपडेट कर देंगे करंट सम से। तो ये फ्लो होता है गाइज कडानेज एल्गोरिथम का, एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, बिलीव में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी कंपनीज पूछ चुकी है इस क्वेश्चन को, एंड यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे मैक्सिमम को। तो हमारा कोड हो चुका है गाइज, तो इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। तो ये सक्सेसफुली कंपाइल हो रहा है गाइज, एंड आप लोग देख सकते हैं आउटपुट भी जो है वो एज एक्सपेक्टेड आ रहा है। इसको एक बार सबमिट करके देख लेते हैं, तो ये सबमिट भी हो रहा है गाइज। तो आई होप कि ये कंप्लीट डिस्कशन आप लोगों को क्लियर होगा गाइज, एंड वीडियो आपको अच्छी लगी हो, एंड आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा गाइज, प्रॉब्लम सॉल्व करने में आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा। तो इतना ही था गाइज इस वीडियो के लिए, एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में गाइस। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक और क्वेश्चन देख रहे होंगे एरेज के ऊपर। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस। थैंक यू।